हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर भुर्जी की रेसिपी। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल रेसिपी है। पनीर तो सबका फेवरेट होता है, तो आज हम बिल्कुल ढाबे और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए पैन में 2 बड़े चम्मच बटर लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम पनीर के पीसेस कर लेते हैं। तो ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर भुर्जी बनाने के लिए पनीर को होटल रेस्टोरेंट में चाकू से नहीं काटा जाता है, हाथ से इस तरह से तोड़ा जाता है। तो सभी पनीर के हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पनीर के इस तरह से पीसेस किए हैं। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये मैंने एक टमाटर लिया है, इसको बारीक मैंने काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेजिटेबल्स है इसे हम एक साइड में कर लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा बटर है इसमें हम 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन से क्या होगा, हमारी जो सब्जी है उसमें ग्रेवी बनेगी बहुत अच्छी। अगर हम इसमें क्या है, थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो वेजिटेबल्स अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, तो उसके लिए हम बेसन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसे 2 से 3 मिनट इसमें भून लेंगे। इससे क्या होगा, बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। ढाबे और रेस्टोरेंट में भी बेसन का ही यूज़ किया जाता है, तो मैं भी आपको बेसन का यूज़ करते हुए बता रही हूँ। तो इसे आप इस तरह से अच्छा रोस्ट कर लें। तब तक जो हमारी वेजिटेबल्स है, मतलब टमाटर हैं, वो अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए, बेसन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, मतलब बेसन थोड़ा सा भुन गया है। तो अब हम वेजिटेबल्स में इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें सभी मसाले डाल लेते हैं। तो 2.5 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे और सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं कि इसमें मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें हम 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है। और अब हम इसे लीड लगाकर 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स है वो अच्छे से पक जाए। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से हमारी वेजिटेबल्स पक चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो गई है वेजिटेबल्स। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इसे हाथ से इस तरह से क्रश कर लेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालें। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, कटा हुआ धनिया, मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपकी पनीर भुर्जी कैसी बनी। इसमें हम पनीर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स, आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं पनीर की, तो इस बात का ध्यान रखें कि पनीर डालते ही आप इसे 2 से 5 मिनट ही आप इसे पकाएं, इससे ज़्यादा नहीं पकाएं। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो पनीर का टेस्ट ग्रेवी में चले जाएगा और जो पनीर का मेन टेस्ट है वो नहीं आएगा। ढीट लगाकर हम सब्जी को 2 मिनट पका लेंगे। सब्जी को थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे। मिक्स करेंगे और 1 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, सब्जी में ऊपर घी आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे।